السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بيا مبين صاحبة تلاوة كيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो इन्हें घाटा देते हैं। क्या ये लोग नहीं समझते कि बिलाशुबा वो खबरों से उठा कर लाए जाने वाले हैं एक अजीम दिन, उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज नहीं, यकीनन बदकारों का नाम आमाल कैद खाने के दफ्तर में है और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो कैद खाने का दफ्तर। वो एक किताब है लिखी हुई, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये वो लोग हैं जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती है तो कहता है ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर उनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है। हरगिज नहीं, बिलयकीन उस रोज ये अपने रब की दीज से महरूम रखे जाएंगे। फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसे तुम झुटलाया करते थे। माशा। इसका लफ्जी तर्जुमा वैलुन खराबी है यानी तबाही है, लिल मुतफिफीन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना जो लोग, इज़ा जब, अक्तालू नाप कर लें, अला अलन्नासी लोगों पर, यस्तौफून तो पूरा पूरा लें, व इज़ा और जब, कालूहुम नाप कर दें, औ वज़नूहुम या वज़न करके दें इनको, युख्सिरून कम कर दें, अला क्या नहीं, यज़ुन्नू ये ख्याल करते या ये जानते, उलाइका ये लोग, अन्नहुम कि वो, मबऊसूना उठाए जाएंगे, लियोमिन अजीम एक बड़े दिन के लिए, यौमा जिस दिन, यकूमुन नासू खड़े होंगे लोग, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के लिए, कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना बेशक, किताबुल फुजारी आमाल नामा बदकारों का, लफी सिज्जीन अलबत्ता सिज्जीन में है, वमा और क्या, अदरा का खबर है तुझको, मा सिज्जीन क्या है सिज्जीन, किताबुन एक दफ्तर है, मरकूमुन लिखा हुआ, वैलुन खराबी है, यौम इज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों के लिए। आयत नंबर 11 है, अल्लज़ीना जो लोग, युकज़्ज़िबूना जुटलाते हैं, बियोमिद्दीन रोज़े जज़ा को, वमा और नहीं, युकज़्ज़िबू झुटलाता, बिही उसको, इल्ला मगर,
कुल्लू हर शख्स मुतदिन असीम जो सरकश और गुनहगार हैं। इजा जब तुतला तिलावत की जाती है अलैही उस पर आयातुना हमारी आयतें कौला वो कहता है असातीरुल अव्वलीन कहानियां हैं पहले लोगों की कल्ला हरगिज नहीं बल बल्कि रोना जंग लग गया है या जंग चढ़ गया है अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर माँ जो कानू यक्सिबून वो कमाते थे कल्ला हरगिज नहीं इन्नहुम बेशक वो सब अर रब्बिहिम अपने रब से यौम इज़िन उस दिन लमहजूबूना महरूम कर दिए जाएंगे सुम्मा फिर इन्नहुम बेशक वो सब लसौलो दाखिल होने वाले हैं अलजहीम जहन्नम में सुम्मा फिर युकालो उनसे कहा जाएगा हाजा हाजल लजी ये है वो जो कुंतुम तुम थे बिही तुकज़िबून उसको जुटलाते ये एक तर्जमा आपने किया है दूसरी और तीसरी आयत में फिर एक मर्तबा कर दीजिए दूसरी और तीसरी आयत वइज़ा कालूहुम और जब नाप कर दें और वज़नूहुम या वजन करके इनको दें युखसिरून तो खसारे में दें अल्लज़ीना इज़ा कालू दूसरी आयत मौलाना जी हाँ आयत नंबर दो और तीन जी अल्लज़ीना इज़ा कालू जब लोगों और जब माफ कर लें अलन्नासी लोगों से यस्तौफून तो पूरा पूरा लें लेना है एक ताला जो है वो लेना है जी काला और अवजन जो है नाप वजन जो है नाप कर देना है जी जी माशाल्लाह इसका ग्रामर वाला पार्ट बोलना मौलाना जी बोलिए बोलिए पहली आयत है वैलुन तबाही है ये इसमें मरफू है पेश के साथ लिल मुतफ़िफ़ीन ये नाप तौर में कमी करने वालों के लिए लिल मुतफ़िफ़ीन है हुर्फ जर है लिल मुतफ़िफ़ूना था लेकिन लाम की इजाफा की वजह से लिल मुतफ़िफ़ीना हो गया हुर्फ जर है अल्लज़ीना जो लोग इज़ा जब ये ज़माने को ज़ाहिर करता इज़ा अक्तालू ये फेले माजी का सेगा है और वाहिद मुज़क्कर गायब है अलन नासी ये भी हुर्फ जर है इसलिए अलन ये नासी के ऊपर जेर आ गया उसकी वजह से और ये नास जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है यस्तौफूना जब नाप कर लें तो पूरा पूरा लें तो ये फेले मुजारे का सेगा है और जमा मुज़क्कर गायब है आयत नंबर तीन है व इज़ा और जब ये भी ज़माने को ज़ाहिर करता है कालू हूँ और वज़नू हूँ यानी जब किसी से किसी को माफ़ कर दें या तोल कर दें तो उनको खसारे में दें तो ये कालू हम और अवज़नू हम ये जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है दोनों भी और फेले माजी है औ या युखसिरून युखसिरून अक्सर युखसिरू से है कम कर देना ये भी फेले मुजारे का सिगा है और जमा मुज़क्कर गायब है चौथी आयत है अला क्या नहीं ये हुर्फ नफी है यज़ुन्नू ये यज़ुन्नू मुजारे है ना ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है मुजारे है और ज़न्ना यज़ुन्नू से बना है यज़ुन्नू ये और मबऊसूना है आगे यानी मबऊसून जिसे उठाया जाए ये बाइसू से आया है बाइसा उठाने वाला और ये मबऊसूना जिसको उठाया जाएगा और ये मफूल का सेगा है जमा मुज़क्कर गायब है फ़ेल मुज़ारे है ये भी और मबऊसून उठाया जाएगा जमा मुज़क्कर गायब और फ़ेल मुज़ारे है नहीं फ़ेल मुज़ारे नहीं है फ़ेल मुज़ारे इसलिए नहीं है कि मीम शुरू में है ना जी ये फ़ेल माज़ी है ये इसको बोलते हैं ये नहीं पढ़ा हमने इसको बोलते हैं मफ़ऊल मफ़ऊल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो वर लेटर है वो एडेड है
जी मीम में जो मीम जो है वो एडेड है, उसके बाद जो बा आइन सा ये उसका ओरिजिनल होता है। मीम और वाव जो है इसमें एडेड है बा सा, तो इसके इसमें मफ़ऊल बोलते हैं, वो जिनको उठाया जाएगा जी। और इसमें यजुन्नु जो है फेले मुजारे है वाहिद मुजक्कर, जन्ना यजुन्नु से बना है और इसका फायल है उलाइका, और उलाइका इशारा कर रहा है मुदफ्फिफीन की तरफ, यानी कालू हम और वजन हम की तरफ ही इशारा कर रहा है। और यहाँ पर खड़े करने से मुराद है सवाल किया जाना, ये और ये मबूसून जी हो गया। आयत नंबर 5 है लियोमिन अजीमिन, ये भी हुर्फ जर है और ये मौसूफ सिफत की हालत में ही है, योमिन अजीमिन उस अजीम दिन के लिए उनको उठाया जाएगा। तो यहाँ पर लाम की इजाफत है उसकी वजह से अजीमिन आ गया है। और आयत नंबर 6 है योमा उस दिन यकूम नासू, कौम यकूम से यकूम बना है खड़े होना, ये फेले मुजारे का सेगा है, वाहिद मुजक्कर गायब है, अन्नासू ये उसका फायल है, ली रब्बिल आलमीन ये भी हुर्फ जर है, ये रब्बुल आलमीन था लेकिन लाम की इजाफत की वजह से रब्बिल आलमीन हो गया है, रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 7 कल्ला हरगिज नहीं, ये हुर्फ नफी है, इन्ना बेशक ये हुर्फ ताकीद है इन्ना। किताबल फुजारी ये मुजाफ मुजाफिले की हालत में है, किताबल फुजारी फाजिर की जमा है ये फुजार, और फुजार की किताब यानी ऐसी किताब जिसमें फाजिर के बारे में गुफ्तगू लिखी गई हो। या फिर इसके ये बात के बारे में यह है कि गुनहगारों की 3 कैटेगरीज होती, एक आसिम है, एक फासिक है और फाजिर है, और इनमें सबसे बदतरीन है या फाजिर जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया। आसिम वो लोग हैं जो गुनहगार होते हैं सगीरा गुनाहों के, और फासिक वो है जो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, और यहाँ पर फाजिर जिसका जिक्र किया गया वो गुनहगार हैं, वो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं और इस पर इसरार करते हैं यानी डटे हुए होते हैं, और इस पर इसको जायज करार देने के लिए दलायल पेश करते हैं, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया फाजिर। किताब से मुराद क्या है? नामे आमाल जी, नामे जी बहुत अच्छा। किताबुल पुजारी लफी सिजीन, लफी सिजीन ये भी हुर्फ जर है और ये लाम के ऊपर जबर है तो ये लामे ताकीद है, यानी जरूर ब जरूर वो सिजीन में डाले जाएंगे। वमा वमा अदराका और क्या तुम नहीं जानते, मा सिजीन क्या है वो सिजीन, यहाँ पर जो अदराका है ये फेले माजी है, वो मुजक्कर गायब का मुजक्कर वाहिद का सेगा है। आयत नंबर 9 में है किताबुन मरकूमुन, ये भी मौसूफ सिफत है, किताबुन मरकूमुन किताब की सिफत है कि वो मरकूमुन है, लिखा हुआ लिखी हुई किताब। एक मिनट, मा अदराका क्या किया आपने तर्जमा? और क्या खबर है तुझको, क्या है सिजील, माँ अदरा का माँ जो है आयत नंबर 10 है वैलुन उस दिन किताबु मरकूम, अब मरहूमुन जी एक एक नामे आमाल है यानी एक दफ्तर है लिखा हुआ, तो ये सिफत मौसूफ की हालत में है, ये भी किताब की सिफत है कि वो मरहूम है। और ये एक मिनट, ये अभी हमने आपने मबूसून पढ़ा ना, हमने पढ़ लिया है मबूसून में, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि मबूस जो है वो मीम और वो एडेड है और इसका जो ओरिजिन हमको मिल गया बा आइन सा, ठीक है जी, तो उसी पैटर्न पे है, उसी वजन पे है मरकूम जी। तो आप बताइए इसका रूट वर्ड कैसे क्या 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 निकलेगा? मरकूम राख ऑफ मीम, बहुत अच्छे, तो मरकूम में जो है रूट वर्ड निकल गया राख ऑफ रकम, मरकूम लिखना मोहर लगाना, तो ये इसमें मफ़ऊल में आगे भी हम पढ़ेंगे, तो इतना याद रखिए कि फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर किसके एतबार से, कि मीम रा
ये तो हो गया मीम रा काफ हो, फोर्थ लेटर, थर्ड नहीं फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ लेटर जो है वो एडेड होगा, तो इजीली हम पहचान लेंगे कि साहब ये इसका रूट वर्ड रा काफ मीम है। कोई भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे मसूद है, महमूद है, मकबूल है, तो ये सारे नाम आप कह के बोल सकते हैं कि इसके अंदर असल मसूद में सीन आइन दाल सआदत है, महमूद में हामीम दाल है महमूद, मकबूल में काफ बाला कबूल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी पढ़ी। आयत नंबर 10, वैलुन तबाही है, यौम इज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झूठ घड़ने वालों के लिए, ये भी जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है मुकज़्ज़िबीन, और ये हुर्फ़ जर है, ये लिल मुकज़्ज़िबीन है, लिल मुकज़्ज़िबून था लेकिन हुर्फ़ जर की वजह से ये लिल मुकज़्ज़िबीन हो गया। अल्लज़ीना आयत नंबर 11, अल्लज़ीना जो लोग, युकज़्ज़िबूना झुटलाते हैं, बियोमिद्दीन योम जजा को, यहाँ पर युकज़्ज़िबूना फ़ेल मुज़ारे का सिगा है, जमा मुज़क्कर गायब है, बियोमिद्दीन ये हुर्फ़ जर की वजह से योमिद्दीन हो गया, ये योमुद्दीन था, योमुद्दीन हुर्फ़ जर से योमिद्दीन हो गया। आयत नंबर 12 है, वमा युकज़्ज़िबो और नहीं, युकज़्ज़िबो झुटलाता, ये हुर्फ़ नफ़ी है वमा, और युकज़्ज़िबो फ़ेल मुज़ारे है, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू से बना युकज़्ज़िबू है, बिही मुज़क्कर वाहिद और गायब है, और वमा युकज़्ज़िबू बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम, और ये मुतदिन असीमिन भी मौसूफ सिफत है, मुतदिन की सिफत है कि वो असीम है। और नहीं झुटलाता उसे मगर हर वो शख्स जो सरकश गुनहगार है, मोतदिन असीम सरकश और गुनहगार की सिफत है। इज़ा आयत नंबर 13 है, इज़ा जब तुतला तिलावत की जाती है, ये फ़ेल मुज़ारे है और वाहिद मोनस का सिगा है, तिलावत की जाती है, अलैही उस पर, ये हुर्फ़ जर है इसकी वजह से अलैही हो गया, आयातुना हमारी आयात, कौला वो कहता है, ये कौला फ़ेल माजी का सिगा है और वाहिद मुज़क्कर गायब है, असातीरुल अव्वलीन ये मुजाफ मुजाफ इलैह की हालत में है, असातीरुल अव्वलीन कहानियां पहले लोगों की। आयत नंबर 14 में है, कल्ला ये भी हरगिज नहीं हुर्फ नफ़ी है, बल बल्कि, रौना फ़ेल माजी का सिगा है, रौना यरीनू से है, ये जंग चढ़ जाना फ़ेल माजी और वाहिद मुज़क्कर है, अला हुर्फ जर क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, जमा मुज़क्कर गायब है, मा कानू यक्सिबून कानू फ़ेल माजी है और इसमें यक्सिबून फ़ेल मुज़ारे हैं, काना यकूनू से बनाए कानू, कसब यक्सिबू से कमाना, ये यक्सिबून का है हालत है, हरगिज़ नहीं बल्कि जंग लग गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते थे, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहुम बेशक वो सब, अर रब्बिहिम ये अन हुर्फ़ जर है इस वजह से रब्बिहिम हो गया, और ये इसमें मजरूर है रब्बिहिम, यौम इज़िन उस दिन, लमहजूबूना जमा ये जमा मुज़क्कर का सिगा है और यहाँ पर लाम ज़बर की इजाफत हुई है, लमहजूबूना यानी इसका मतलब है ज़रूर ब ज़रूर, यानी इसरार का ये इसमें लाम के साथ ज़बर है तो इसरार के साथ आएगा, हरगिज़ नहीं बेशक वो सब अपने रब से उस दिन महरूम कर दिए जाएंगे। महजूबून भी जो है मफ़ूल के वजन पर है ना? जी मफ़ूल के वजन पर, जी मौलाना। तो इसका रूट वर्ड क्या निकलेगा? मीम हा जीम, नहीं नहीं मीम जीम और बा, नहीं मीम और वाव तो एडेड है ना, मीम और जी जी जी, तो मीम को हटा दिए वाव को हटा दिए तो क्या बच गया? हाँ जीम और बाव, बा। जो हिजाब जो उर्दू में बोलते हैं जी जी हिजाब जी, हिजाब जो है इसी से है जी, अल्लाह ताला को उनके सामने हिजाब कर दिया जाएगा, पर्दा डाल दिया जाएगा बीच में, लमहजूबून। आयत नंबर 16, सुम्मा फिर, इन्नहुम
ये जमा मुजक्कर गायब का सेगा है, लसौलुल जहीम ये भी लाम ताकीद है, और लसौलुल जहीम जमा मुजक्कर गायब का सेगा है ये। फिर बेशक वो सब दाखिल होंगे जहन्नम में। एक मिनट, सालू जो है असल में साल ये है ना, सयसला सला यसला है, ठीक है जी सयसला, तो हमने पढ़ लिया मुदारे तब्बत यदा में, ये सालू ये जमा है। चलिए आयत नंबर 17, सुम्मा फिर युकालो उनसे कहा जाएगा हाजा लहाजा लजी ये है वो जो, ये इसमें इशारा है कुंतुम भी तुकज़िबून जिसे तुम झुटलाया करते थे। कुंतुम फेले माजी का सेगा है, सेकेंड पर्सन मुजक्कर हाजिर का सेगा है, तुकज़िबून फेले माजी जमा मुजक्कर हाजिर। फिर इनसे कहा जाएगा ये वो है वो जिसे तुम झुटलाया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने जो कवायद का इजरा किया है और अल्फाज की तहकीक की है वो बहुत बहुत काबिल तारीफ है, हमारे सारे साथियों के लिए एक मिसाल है। माशाल्लाह अल्लाह कुव्वत, माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि माशाल्लाह काफ़ी साथी हैं वो जो इस काबिलियत के माशाल्लाह हामिल हो चुके हैं, लेकिन दूसरे और भी तमाम साथी मेरे जितने भी हमारे इस ग्रुप में हैं मॉर्निंग ग्रुप में जो अरबी जबान के और भी एक तो ये लेवल पे हम पहुंच चुके हैं और इतना आगे और भी चलना, जैसे आज एक अच्छी चीज़ आपके सामने आ गई कि वो ये है कि हम वो वर्ब के और नाउन के उसके रूट वर्ड तक हम कैसे पहुँचेंगे ये, और फिर बलागत इंशाल्लाह और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अरबी में फसाहत और बलागत क्या होती है, कैसे अल्फाज का जो है कुरान मजीद ने इंतखाब किया। तो आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह बंदे को भी जो है एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ और भी पढ़ना चाहिए। जी और बताइए राबी मुबीन, थोड़ी तफसीर मौलाना, मुख्तसर तफसीर इसकी। जी मुतफिफीन ये मक्के में नाजिल हुई, इसके में टोटल 36 आयतें हैं, 36। ये मक्की मौजमा के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई जब अहले मक्का के जहन में आखिरत का अकीदा बिठाने के लिए ये सूरतें नाजिल हो रही थी लाइन से, और जब अहले मक्की उस वक्त की नाजिल हुई आयत सूरतें हैं जब अहले मक्का ने सड़कों पर बाजारों में और मजलिसों में मुसलमानों पर आवाज़ कसने और इनकी तौहीन और तजलील करने का सिलसिला शुरू कर दिया था, मगर जुल्म-ओ-सितम और मारपीट का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। ये उस वक्त की आयतें हैं, और इसमें सबसे पहले इसका मजमून में इसकी पहली जो 6 आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आम बेईमानी को गिरफ्त की गई है जो कारोबारी लोगों में आम थी। जब दूसरों से लेना होता तो पूरा नाप तोल कर लेते, मगर जब दूसरों को देना होता तो उसमें कमी करते थे। यानी माशरत की इस खराबी की वजह यह बताई गई कि जिनका आखिरत पर ईमान कम होगा वो उस खराबी में मुब्तला हो जाएगा। यानी जब तक लोगों में ये एहसास ना हो कि एक रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होना है और एक एक पैसे का हिसाब देना है, तो उस वक्त तक इंसान अपने मामलात पे पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकता। इंसान के अंदर सच्ची और मुस्तकिल ईमानदारी अगर पैदा हो सकती है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खौफ से और आखिरत के यकीन से हो सकती। तो यहाँ पर कुरान में कई जगह अल्लाह ताला बार बार नाप तोल में कमी करने के बारे में सख्त मजम्मत और ताकीद कर रहे हैं, और सही नापने और तोलने की सख्त ताकीद भी आई है कई मरतबा। सूरह अनाम आयत नंबर 152 में है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 35 और सूरह रहमान आयत नंबर 8 और 9 में भी इसका जिक्र है। सूरह रहमान 8 और 9 की यहाँ पर मैं तर्जुमा करूँगी कि आयत नंबर 8 है, अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान ताकि तुम तोलने में तजावुज न करो, और आयत नंबर 9 वअकीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम न दो। ये आयत नंबर सूरह रहमान की 8 और 9 के तर्जुमा है। इसमें अल्लाह ताला उन लोगों के लिए ताकीद कर रहे हैं जो नाप तोल में तजावुज करते हैं। जी
जी, और यहाँ पर इसके मजमून के हिसाब ताल्लुक से एक और बात यहाँ पर है कि एक अहम बात जो सूर्य के मुतालिक हम जानते हैं, जान सकते हैं इस बात के जरिए से कि कई मुफस्सरीन के नज़दीक मुतफ़िफ जो है सूर्य का नाम, इसके कई माने हैं। एक तो है नापतोल में कमी करना या नमाज में चोरी करना, उसको भी मुतफ़िफ कहा गया। यानी जिस चीज़ को कोई पूरा पूरा अदा नहीं करना, नहीं करता, चाहे वो कोई भी मामला हो, अल्लाह के साथ हो, चाहे ज़कात में चोरी हो, ज़कात में चोरी हो, दीनी मामलात में चोरी हो सकती, यानी हुकूकुल्लाह की अदायगी में कमी को मुतफ़िफ कहा गया इसमें। लेकिन बाद मुफस्सरीन के नज़दीक ये बंदों के हुकूक का सवाल भी है। जैसा कि हमारे माशरे में बहुत आम है कि हम लोगों से कहते हैं कि मेरा हक अदा नहीं किया, मेरा हक मार लिया या मेरे ऊपर ज़्यादती की। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों से हम अपना पूरा पूरा हक डिमांड करते, लेकिन हम लोगों को इनका हक देने में चूक जाते हैं, हक देने में कमी बेशी करते हैं। और अगर हम ये सोच लें कि मेरी ज़ात से जिन लोगों के हुकूक वाबस्ता हैं वो मैं पूरा अदा करूँ, और अगर हम में से हर कोई ये सोच ले तो किसी की हक तलफी नहीं होगी, अपने आप हर किसी के हुकूक अदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को जान जान कर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तैयारी आपने की है, और मैं समझता हूँ कि अभी हम एक साल से पहले ही जो है कामयाब हो गए जी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे सारे साथियों को माशाल्लाह इसी तरीके से कुरान की, एक तो देखिए कि एक तो हमारी क्लास, दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि किताबी हिदायत। और कल मैं एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं हिंदुस्तान के, जिनके जो बंदे के उस्ताद भी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, कल मैं उनका एक बयान सुन रहा था। तो मुफ्ती साहब ने, मैं हो सका तो मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, आप ज़रूर सुनिए। मुफ्ती साहब ने अजीब बात कही, जबकि हम मुफ्ती साहब को ये समझते थे कि वो मसाइल के सिलसिले में और फिर अहादीस की तशरीह और तफसीर के, लेकिन दरमियान में मुफ्ती साहब ने अजीब बात कही। क्या कहा? कि कुरान मजीद किताब दावत है, बल्कि साफ तौर पे मुफ्ती साहब ने कहा मसाइल की किताब ही नहीं, पहली उसकी हैसियत किताब दावत की, और उसको जिस हैसियत से मुफ्ती साहब ने हवालों से बताया, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये किताब दावत है और ये किताब दावत हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और अगर हमें मकसद मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा जागना, हमारा कुर्बानी देना, ये कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे साथियों से ये मेरी ख्वाहिश है कि आप जितना अहतमाम करें, जितनी तवज्जो, एक एक वर्ड पे आपकी तवज्जो हो। जैसे अभी मुझे खुशी हुई कि आपने बताया कि लफी सिज्जीन में जो है लाम ताकीद का है, तो इतनी बारीकी और इतनी गहराई हम पे हमें आ जाएगी। तो बहुत जो है कुरान पढ़ने में, कुरान मजीद के सुनने में, कुरान मजीद के, अभी देखिए कुरान मजीद का फहम खुलता है, कुरान मजीद की जो है क्या क्या बोलते हैं ना, आप चलते जाएंगे रास्ता जो है बिल्कुल खुलता जाएगा, ऐसी रोशनी आपको नज़र आएगी कि सामने वाला देख नहीं पा रहा, आप देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर क्या बात है। और फिर आप अपनी ज़िंदगी के एक एक मसले पर उसको जो है इम्प्लीमेंट करें। तो माशाल्लाह हमारे दूसरे साथी हैं आज के दरस कुरान के लिए, इमरान भाई तफजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। आज का जो दर्स है वो सूरतुल मुतफ़िफ़ीन पे है जी। इंशाल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون مزید ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وائل ہلاکت ہے للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ اذا جب افتالو وہ ناپ کر لیتے ہیں علی الناس لوگوں سے یستوفون وہ پورا پورا لیتے ہیں وإذا اور جب کالوہم وہ ناپ کر دیتے ہیں او یا وزنوہم وہ تول کر دیتے ہیں انہیں یکسرون وہ کم دیتے ہیں الا کیا نہیں یظنو یقین رکھتے اولئک یہ لوگ انہم بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے یوم جس دن یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ لربی رب کے لیے العالمین تمام جہانوں کے کلا ہرگز نہیں انہا بے شک کتاب کتاب نامہ اعمال الفجاری بدکاروں کی لفی سجین یقیناً سجین میں ہے وما اور کیا چیز ادراک بتائیں آپ کو ما کیا ہے سجین سجین کتاب ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے الذین وہ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین بدلے کے دن کو وما اور نہیں یکذب جھٹلاتا بھی اسے الا مگر کل ہر معتد حد سے بڑھنے والا عظیم سخت گناہگار اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہ اس پر آیاتنا آیت ہماری اولا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی کلا ہرگز نہیں بل بلکہ رونا زنگ چل گیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر ما اس کا جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے اللہ ہرگز نہیں انہم بے شک وہ ربہم اپنے رب سے یومئذن اس دن لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں ثم پھر انہم بے شک وہ لسوالو البتہ جھونکے جانے والے ہیں الجحیم جہنم میں ثم پھر یقالو کہا جائے گا حاذا یہ ہے الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی جسے تکذبون تم جھٹلایا کرتے ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دراصل میں یہ سورہ جو ہے مکی سورت ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت یہ مکی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت یہ کہ مدنی ہے اور تیسری رائے یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ
नापतोल में कमी कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको ऑर्डर दिए तो वो लोग फौरी वो बुरा काम छोड़ दिए। हलाकत है नापतोल में कमी करने वालों के लिए। और ये जो मुतफिफून है वो जो है जानबूझ के करने वाले हैं, ये चाहे जानबूझ के करने वाले नापतोल में हो या कुछ चीज नापने में हो या फिर किसी का हक मारना हो, उसी तरह बुराइयां है। वो लोग जब वो नाप कर लेते हैं लोगों से, वो पूरा पूरा लेते हैं, जब वो लोग खुद लेते हैं किसी और से तो जब वो लोग मुकम्मल चीज लेते हैं, लेकिन वह इजाकालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब वो नाप कर देते हैं उन्हें या तोल वो तोल कर देते हैं उन्हें, वो कम देते हैं, जब किसी और की देने की बात आई तब वो लोग जो है यहाँ पे कमी पेशी करके देते, जैसे कि किसी किलो में या 100 किलो या 0.5 किलो, ऐसा इस तरह नहीं चुराते बल्कि हल्का से जर्रा से भी थोड़ा बहुत कमी पेशी करते। तो थोड़ी सी भी जो कमी पेशी करने वालों को वाइलून कहा गया है यहाँ पे, जिसपे लानत होती। तो यहाँ पे मुतफिफ इनके वही बताया, जो कोई भी थोड़ा बहुत चोरी करते उन लोग के लिए सख्त वाइल है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, यह नहीं यकीन रखते ये लोग बेशक उठाए जाने वाले हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला याद दिहानी कर रहे हैं उन लोगों को जो कि उनको इनका हिसाब भी देना है। तो ईमान के बारे में जो आखिरत के ऊपर है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर यौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन की, जो मालिक यौमिद्दीन यानी कि जिस दिन हिसाब किताब होगा उस दिन को याद दिला रहे हैं। यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन खड़े होंगे लोग रब के लिए तमाम जहानों के, जब रब के सामने खड़े होंगे। तो फिर तल्ला इन्ना किताब अल्फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, बेशक किताब नामा अमल बदकारों के लिए यकीनन सिज्जीन में है। तो यहाँ पे जो है दरअसल में हर किसी का सिज्जीन जो है दरअसल में यहाँ पे दो रहते, एक इल्लीन है और एक सिज्जीन है। जो इल्लीन जो है ये नेकोकार लोगों के लिए है, लेकिन सिज्जीन जो है बदकार लोगों के लिए है। जब इंसान की रूह फरिश्ते आकर निकालते हैं तो फिर वो रूह को अल्लाह सुब्हानहू ताला के तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे लीन सबसे पहले रजिस्टर होता, फिर नेकोकार के लिए मुबारकबाद वगैरह होती, फिर उसी तरह बदकार के लिए जो है सिज्जीन में डाला जाता है, जहाँ पर रजिस्टर भी होता नाम और रूह को भी रखा जाता है। और हदीस में भी ये मालूम हुआ कि सिज्जीन जो है सातों जमीन के नीचे है, एक कैद खाना है जहाँ पे निकलना मुश्किल नामुमकिन ही है, वहाँ पर हमेशा के लिए रहना है। तो वहाँ पे ये सिज्जीन के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे जो है इन्ना कल्ला इन्ना, तो यहाँ पे बेशक हो गया इन्ना, जो कि कंफर्मेशन कर रहे हैं। फिर दूसरी बार लफी सिज्जीन में भी यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है यकीन लफी, तो यहाँ पर भी दूसरी बार याद दिहानी कर रहे हैं लफी सिज्जीन, दो बार स्ट्रेस हो गया एक आयत में। फिर वमा अदरा का मा सिज्जीन, क्या और क्या चीज बताए आपको क्या है सिज्जीन। फिर अल्लाह ताला और एक आयत में फिर से याद दिला रहे कि क्या आप जानते हैं इमरान भाई, आपका वॉइस चले गए, आपकी आवाज चले गए जी, अभी आ रही मौलन जी, आ रही, अब आ रही जी। किताब मरहूम, एक किताब है लिखी हुई, एक किताब है लिखी हुई। और वाइलुल यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। फिर अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, वो जो झुठलाते हैं बदले के दिन को। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअ्तदिन अथीम, और नहीं झुठलाता उसे मगर हर हद से बढ़ने वाला सख्त गुनहगार।
إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين, جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیت ہماری, وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی. کلا بل, ہرگز نہیں, بلکہ روحان علی قلوبہم ما کانوا یحسبون, زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے. یہاں پہ جو ہے رانا جو لفظ استعمال ہوا ہے, تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے زنگ چڑھ جانا, جس طرح لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے لوہے کے برتن پہ تو کسی چیز کے لیے کام ہی نہیں آتا ہو, اسی طرح جو ہے یہاں پہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے, اسی طرح جس طرح کنٹینیوسلی گناہ کرنے سے اس کا دھبا جو ہے بڑا ہو جاتا ہے, تو وہ زنگ کے برابر ہے اس طرح یہاں پہ بتا رہے ہیں. تو اور ایک اس سے بھی ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم لوگ لوہے کا زنگ نکالنا جانتے ہیں لیکن یہ دلوں کا زنگ دور کیسے کرنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا, دوسرا جو ہے قرآن کثرت سے پڑھنا, اصل فائدہ سمجھ کر پڑھنا ہے پھر زنگ اتر جاتا, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو گناہ جو دل پر دھبے مطلب زنگ پر چڑھ گیا ہے اسے ہٹانے کے لیے آسان ہوتا, تو جو دلوں پہ زنگ چڑھے وہ اپنے رب کو نہیں دے سکتا. یہاں پہ آگے آنے والا ہے یہاں پہ جیسے کہ کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھنے والے ہیں. یہاں پہ لمحجوبون ہے, یہاں پہ جو ہے جس نے بتایا ہا جیم میم ہے, یہاں پہ حجبا یعنی حجاب, تو یہاں پہ جو ہے اس میں دو چیز نقصان ہے جو گناہگار کے لیے, ایک تو دنیا میں جو ہے گناہ کرتا ہے رب سے دور ہو جاتا, پھر آخرت میں جو ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا, دو طرف سے نقصان میں ہوگا انہیں. پھر ثم انہم لصال الجحیم, پھر بے شک وہ البتہ جھونکے جانے والا ہے جہنم میں, تو اس کو جہنم میں جھونکتے ہو رہا ہے. پھر ثم یقال حال الذی کنتم به تکذبون, پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز تھے تم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جی عمران بھائی جی گرامر بھی پڑھنا جی بتائیے. جی جیسے کہ وائلن جو ہے اسم ہے یہاں, اور للمتففین ہے یہاں پہ لام زیر لی ہے جو حرف پہ جر ہے, تو اسی لیے کیا متففی ہو گیا, تو یہ جمع مذکر سالم ہو گیا یہ متففین میں. یہ پھر اس کے بعد الذین ہے, یہ جو ہے اس میں موصول ہے, اذا جو ہے حرف ظرف ہے جو ٹائم یا پلیس کا بتانا ہوتا ہے یہاں پہ. پھر اختالو جو ہے پہلے ماضی سے لیا گیا جمع مذکر غائب. الناسی یہاں پہ الا ہے جو کہ حرف جر ہے لناسی, اس لیے یہاں زیر آ گیا ناسی ضرور اس میں. پھر یہاں پہ یستوفون یہ جو ہے مفعول ہے, یستوفون جمع مذکر غائب. پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جو رابعہ مبین صاحبہ نے گرامر بتایا ہے ابھی ماشاء اللہ مجھے خوشی ہوئی عمران بھائی, کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ بھی ماشاء اللہ تیاری کر کے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, تو اس کی تفسیر کے بارے میں آپ نے تیاری کی ہے تو بتائیے. تفصیل کے بارے میں جیسے کہ یہاں پہ جو ہے جو لوگ ہلاکت ہے ان پر جو لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو ان لوگ کے لیے بتائی گئی یہاں پہ تفسیر میں, چاہے وہ کسی کے بندوں کے حقوق بھی کیوں نہ ہوں وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے
अक्सर जो है लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला छोटे छोटे चीजों को नहीं देखते, लेकिन हकीकत में यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि अल्लाह ताला आखिरत में जो है जैसे कि छोटे छोटे दिखते गुनाह है लेकिन उसकी भी पकड़ होती, वो उस चीज के बारे में अल्लाह ताला याद दिहानी करा है इस सूरह में यहाँ पे। और जो बदकार है इल्लियन सिज्जियन जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो सिज्जियन में यहाँ पे बहुत खतरनाक जगह है जहाँ पे कोई रह नहीं पा सकते, तो वहां पे डालने के लिए डालते बोल के बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला। फिर और यहाँ पे जैसे कि जब जब लोग जो है ऐसा नापतोल में कमी पेशी करते तो वहाँ पे कहत सालियाँ जैसे कि तख्त बादशाह बादशाहों का जुल्म वहाँ पे आ जाता, तो लोग जो है लोगों को दबोच लेते जालिम बादशाह लोग, तो जब कमी पेशी होती है नापतोल में फिर जी इमरान भाई माशाल्लाह आपने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी है और भी बेहतरीन अंदाज़, इसको नोट डाउन भी कर लें हम लोग, इसको लिख लेंगे तो और भी फायदा रहेगा आपको, आप बाद में फिर रेफर करने में आसानी होगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारा प्रोग्रेस जो है बेहतरीन है, परफॉर्मेंस बेहतरीन है, और प्रिपरेशन है तो परफॉर्मेंस है, विदाउट प्रिपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आप यहाँ क्लास में हिस्सा ले रहे हैं और सारे साथी में, तो आगे इंशाल्लाह और भी चीज़ें तय करने से पहले कि सूरतुल मुतफ़िफ़ीन, सूरतुल मुतफ़िफ़ीन ये पिछली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने यौमुद्दीन के बारे में बयान करना, सूरतुल इन्फितार वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, तो यौमुद्दीन क्या होगा कि इंसान दूसरों के काम नहीं आएगा बल्कि उसके खुद लाले पड़ जाएंगे। सूरह इन्फितार में अल्लाह ने फरमाया कि वहाँ कोई दूसरे के काम आने वाला नहीं है, खुद अपने बच बचाओ के आदमी फिक्र में रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि आदमी को किन किन हालतों से गुजरना है, उनमें से यहाँ कहा गया है कि जो नापतोल में और फिर अपनी जो जिम्मेदारियों में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है डंडी मारते हैं, जो अपने जो है जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं वो नुकसान से दो चार होने वाले हैं। तो इंसान दूसरों के क्या काम आएगा, खुद इंसान जो है अपनी मशक अपनी जो है परेशानी में मुबतला होगा। और बार बार यहाँ हम देख रहे हैं मुतफ़िफ़ीन जमा मुदक्कर गायब अल्लादीन, ये यहाँ ये बात समझने की है कि ये मर्द और औरत सारों के लिए है, ऐसा नहीं है कि मर्द ही डंडी मार रहा है, कि जो भी डंडी मारने वाला है जो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहा है चाहे वो मर्द की सूरत में हो औरत की सूरत में हो फर्द की सूरत में हो कि जमात की सूरत में हो, वो पूरी कौम जो है तबाही। जब ये पूरी कुरान मजीद आप पढ़िए दो सूरतें वायल से शुरू हुई, एक सूरा ये है और दूसरी सूरत है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा, कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने तबाही आगाज ही हो रहा है तबाही से। तो मान लीजिए कि वो फर्द और वो लोग और वो सोसाइटी कैसे कामयाब हो सकती है जो तबाही से दो चार हो, तो ये तबाही दुनियावी एतबार से भी है उखरवी एतबार से, उखरवी एतबार से उसका नतीजा बयान किया गया है, और दुनियावी एतबार से क्या है तिजारत और वो काम बरकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ताजिर किसी चीज़ के अंदर ख़राबी है अगर उसको वो सामने वाले के सामने बयान करता है और वो खरीद लेता है अल्लाह बरकत देते हैं, लेकिन अगर वो छुपा देता है मुहिकत बरकत बैई हिमा, तो फिर उसकी बरकत जो है छुपा दी जाती है मिटा दी जाती है ख़त्म कर दी जाती है। तो दुनिया के अंदर भी जो है हम अपने तरक्की करें, हम अपनी माल अपनी तिजारत में अपने जॉब में अपने प्रोफेशन में जो है आगे बढ़े, तो फिर ऐसी सूरत में उसको पूरा करना। और यहाँ ये बात भी समझ में आती जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि इकोनॉमी मईशत से हमारी ये जुड़ी हुई है, और यहीं पर मुतफ़िफ़ीन और फिर वैलुल्लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा को सामने रखें
तो कुरान मजीद में हमारी दुनियावी जिंदगी के छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ नहीं है। हमने नमाज को बड़ी चीज़ बनाया, जबकि मुआमलात भी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख लीजिए कि कुरान मजीद कह रहा वैलुन तबाही है, तो जब तबाही की बात कही जा रही तो कोई छोटी बात थोड़ी होगी कि हमने उसको छोटी बातें बना दी हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये बंदों के हकूक़ के बारे में बात कही गई। दोनों सूरतों पे आप गौर करिए तो मालूम होता है कि एक जो लोगों के मालों में कमी कर रहा है और दूसरी जो लोगों की इज्जतों पर डाका डाल रहा है, तो इन दोनों के लिए तबाही है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हुकूकुल्लाह की बात नहीं, हुकूकुल इबाद की बात की जा रही है। बंदों के हकूक के बारे में जब बंदा जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं कर रहा, तो उसके लिए तबाही की बात कही गई। तो हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी चीज़ है, उसका हमको अहतमाम होना चाहिए, जबकि हमारी जिंदगियों में उसका कोई अहतमाम नहीं। मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम सोसाइटी तो इससे बिल्कुल कोसों दूर हो चुकी है कि हमारे पास वक्त की पाबंदी नहीं, अपनी जो है जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और फिर उसके ऊपर भी जो है हम नादिम ना हो, तो इससे बड़ी ज़्यादा महरूमी और क्या हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि आदमी अपना हक ले, पूरा ले, ये कोई ख़राबी नहीं है। आदमी जो है लोगों को जो है अपना हक किसी से वसूल कर रहा है, पूरा वसूल कर रहा है, ये कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन उसको जब आप सामने वाले से रिलेट करेंगे तो ऐसी सूरत में जब देने की बात आए, जब कम दे तो ये ख़राबी होगी कि ले तो पूरा और दे जो है डंडी मार के। तो जैसे हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत की अलामत ये है कि आदमी माँ बाप को निगलेक्ट करेगा, दोस्तों को प्रेफरेंस देगा, तवज्जो देगा। तो दोस्तों को तवज्जो देना ख़राब बात नहीं है, लेकिन माँ बाप को ओवरलुक कर देना, माँ बाप की खिदमत ना करना और दोस्तों को तवज्जो, ये ख़राबी है। तो यहाँ पर कि दोनों उर्दू में भी हम बोलते हैं लेन देन, डीलिंग के मामले में कि जो है हमने बात की इतने पे, लेकिन हम उसको दें कम। और फिर सोसाइटी में, हुकूकुल इबाद में, हमारी इकोनमी में हम समझते हैं कि साहब खाली जो है बिल बना दें, इनवाइस बना दें, उससे जो है आ जाएगा GST। नहीं, जो चीज़ इसको जो है कायम करने वाली है वो है अकीदे तौहीद, वो है अकीदे आखिरत, यौमुद्दीन का इस्तेहज़ार। और फुज्जार के बाद अब बिल्कुल अपोजिट अबरार भी आया है, जो हम 18वीं आयत से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुरान मजीद फुज्जार और अबरार दोनों को पैरेलल बयान करता है। तो कुरान मजीद दोनों पहलुओं को, दो अच्छों को और बुरों को, दोनों को सामने रखता है कि हम रास्ता इख्तियार करें कि हमको किधर जाना है, कि अबरार बनना है कि फुज्जार बनना है। और सिज्जीन और इल्लियीन, ये दोनों भी जो है यहाँ इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाते हैं कि यहाँ वैलुल लिल यौमइज़िल लिल मुकद्दिबीन, तबाही है झुठलाने वालों को। बर्बादी की बात, तो जो कोई भी जो है क़ियामत का इनकार करता है तो उसके अंदर तीन बातें, एक तो तकजीब है यानी अल्लाह को झुठलाना, और वो जो सरकश होता है यानी जो अपनी हद को क्रॉस करता है, और तीसरी बात कही गई है असीम गुनाहगार होना है। और चौथी क्या होती है कि कुरान मजीद की आयात हैं, ये जो है आयात हैं, जमा है। हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो कहता किस्से कहानियाँ हैं, तो किस्से कहानियाँ आदमी कह के उसको उड़ा दे रहा है। और जैसे अभी दिल पर जंग लगने की बात कही गई है कि दिलों पर भी जंग आ जाता है और फिर दिल गाफिल हो जाता है, और दिल गाफिल हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। और जो लोग झुठलाते हैं और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनको तीन सज़ाएं मिलने वाली, एक तो दीदार खुदाबंदी से महरूमी है, दूसरी सज़ा जो है जहन्नम में दाखिला है, और तीसरा जो है बदनामी भी है, और उनको जो है बरसरे आम जो है कहा जाएगा हाँ हाँ देखो यही दिन था ना जिसको तुम झुठलाते थे। तो ये सूरत जो है हमारी मुआशरती ज़िंदगी, हमारी मुस्लिम लाइफ और हमारी बिजनेस और हमारी तिजारत के बारे में, हमारे यहाँ सूरतें हम पढ़ते हैं, इतनी सूरतें हैं, और फिर हमारे जो
बाजार की मस्जिदें हैं वहाँ उन मस्जिदों में सूरतों को जो है समझाना भी चाहिए कि भाई तिजारत हम कर रहे हैं, हम जो है जिम्मेदारी के जॉब कर रहे हैं, तो हमारे क्या तरीक़े कार होना चाहिए। आज हमारे पास मसला ये हो गया कि इस्लाम की ये खूबियाँ और अच्छाइयाँ गैरों ने और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने कबूल कर ली, तो उसकी बरकतें भी वो देख रहे हैं, और मुसलमानों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो इसकी खराबियाँ भी हमारी सोसाइटी में आम हैं। हमारे यहाँ बंदा ख़ुद भी तिजारत करता है तो महसूस ये होता है कि इसका ज़र्रा बराबर लोगों को जो है इस्तेहज़ार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो है धोखा कैसे दें ये चक्कर में, अल्लाह अकबर, अपनी दिमाग की अपनी जहन की सलाहियतें इस चीज़ के अंदर लगा रहे हैं कि सब धोखा कैसे दें, अल्लाह अकबर। जबकि होना ये चाहिए कि मुस्लिम ताजिर वो था जो दूसरों को बाजार में बैठ के फ़ायदा पहुँचाए, कैसे उनके लिए मुफीद बने ये सोचा करता था। तो मौला ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबको बोलने वाला भी और अमल करने वाला भी बना दे, और कुरान मजीद के नूर से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सुधारने और संवारने वाला बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों के परफॉर्मेंस से मैं बेहद खुश हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम मुझे भी और मेरे सारे साथियों को कुरान मजीद से जोड़ दे, कुरान मजीद का नूर और फहम हमारे दिलों में पैदा फरमा कर हमें एक मिसाली दाई और मिसाली मुअल्लिम बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी आइंदा जो है सूरतुल मुतफ़िफ़ीन की आखिरी आयात तक का जो है इंशाल्लाह दर्स होगा, तो कौन साथी इंशाल्लाह दर्स देंगे, कौन साथी जो हिस्सा लेंगे? और वो मेरी ख्वाहिश है कि वो साथी आगे बढ़ें जो अभी तक हिस्सा नहीं लिए। मेरी ख्वाहिश है मुजाहिद भाई से, मेरी ख्वाहिश है रईस भाई से, मेरी ख्वाहिश है नईमुद्दीन साहब से कि आप हजरात कोशिश करिए, हिम्मत करिए कि जी बताइए। एक तो समीना साहिबा, ठीक है, समीना साहिबा है, और जल्दी से और बता दीजिएगा। जी और जेंट्स में से बताइए। अब आप ही नॉमिनेट कर दीजिए एक साहब। अच्छा मैं कर दूं? जी मोहम्मद अली मुजाहिद साहब, मुजाहिद भाई, मुजाहिद भाई सुन रहे हैं ना? हाँ मेरे को, अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरे को कोरोना वायरस हो गया शेख, तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी, उससे इक्विपमेंट चल रहा मेरा। सईद भाई मतलब ठीक है। समीरा साहिबा आप तैयारी करिएगा और आपके साथ के लिए इंशाल्लाह रजीज कोई और साथी इंशाल्लाह हम तय कर लेंगे, ठीक है। और अगले पीर को जो है अगली क्लास में इंशाल्लाह कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं, कौन पढ़ने वाले हैं? आरिफ भाई हो गए, आमिर भाई, आयशा जी। जी मौलाना 19 सबक है, 20 सबक बाकी है। ये आज जुमा भी है, आप सभी सूरह कहफ का अहतमाम करते हैं, बल्कि पढ़ भी लिया होगा हमारे बुजुर्गों ने, तो दुआ हम लोग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम आमीन। اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم اكفنا من كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت اللهم اجعلنا من عبادك العتقاء اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المحبوبين اللهم اجعلنا من عبادك المقربين اللهم اجعلنا من عبادك المتقبلين
اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله